सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पावर बैंक बनाना सिखाऊंगा कि हम पावर बैंक कैसे बना सकते हैं। सफ़र वगैरह में हमें इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे अपना पावर बैंक ख़ुद तैयार कर सकते हैं। अगर आप शहर वगैरह से कोई लोकल पावर बैंक ले लेते हैं सस्ता चाइना का, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी एक तो सेल बहुत गंदे होते हैं, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं होती, आपका मोबाइल को सही तरह चार्ज नहीं करता, उल्टा आपके मोबाइल की बैटरी को ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर बैंक बनाने के लिए हमें किसी भी पावर बैंक की बॉडी चाहिए होगी। ये आप कोई भी पावर बैंक की बॉडी ले सकते हैं, या आप किसी छोटे टिफ़िन बॉक्स में भी इसे फिट कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक की बॉक्स के अंदर बनाकर फिट कर सकते हैं। ये एक स्पेशल पावर बैंक की बॉडी है जो इस मॉड्यूल के साथ आती है, और ये मॉड्यूल है जो हमने चाइना से मंगाया था। आपको हमने अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी इसकी पिछली वीडियो में, तो ये वही मॉड्यूल है। इसके साथ एक LCD लगी हुई है जिसके अंदर आपको इन सेलों की कैपेसिटी भी पता चल जाएगी कि ये सेल कितने चार्ज हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हैं, और इन पोर्ट के ज़रिए आपको ये भी पता चल जाएगा LCD के ऊपर कि आप एट अ टाइम कितना कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं और कितने एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं। ये 1.5 एम्पेयर की पोर्ट है, ये 2.1 एम्पेयर की पोर्ट है, और ये माइक्रो USB है, यहाँ से आप अपना पावर बैंक को चार्ज करेंगे। ये ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों, ये देखें, ये ऑन ऑफ, इसको आप डबल प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रेस होल्ड करेंगे तो इसकी ये वाइट लाइट जल जाएगी, फिर प्रेस एंड होल्ड करेंगे फिर ये वाइट लाइट बंद हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूल है, और इसके लिए आपको मेन चीज़ ये सेल चाहिए होंगे। दोस्तों, ये मॉडल है सैमसंग का, और ये असल इनका मॉडल नंबर है 18650। दोस्तों, ये सेल 3.7 वोल्ट का एक सेल है, और आपको लगभग 4 सेल यूज़ करने होंगे, वो आपके हिसाब से आप 4 यूज़ कर लें, 6 यूज़ कर लें, 10 यूज़ कर लें। हमारी बॉडी में 4 ही आ सकते हैं, तो इसलिए हम 4 ही यूज़ करेंगे। ये सेल आप किसी भी लैपटॉप की पुरानी बैटरी में से निकाल सकते हैं, या लैपटॉप के अंदर से भी निकाल सकते हैं, और आप इसको अलहदा बाज़ार से परचेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इसकी बनावट सिखाऊंगा पावर बैंक की कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों, हम इनकी सेलों की वायरिंग करेंगे और इनको पैरेलल कनेक्शन देंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको पैरेलल और सीरीज़ का पता होना चाहिए कि पैरेलल और सीरीज़ कनेक्शन क्या है। पैरेलल कनेक्शन वो होते हैं जिसमें तमाम बैटरी की पॉजिटिव इकट्ठी होती हैं, तमाम बैटरी की नेगेटिव इकट्ठी होती हैं, और सीरीज़ कनेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठी होती है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठी होकर एक सर्किट बन जाता है, जिसे हम सीरीज़ कनेक्शन भी कह सकते हैं। चलें दोस्तों, आज हम इसको बनाना सीखते हैं और इसको फिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके तमाम नेगेटिव को आपस में जोड़ लेंगे। ये दोस्तों देखें, ये ऊपर वाली जिस पर वाइट रिंग बना हुआ है, ये इसकी पॉजिटिव है, और बगैर रिंग वाली इसकी नेगेटिव है। यहाँ भी वाइट रिंग है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वाइट रिंग पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये वाइट रिंग पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम इन सारों को जोड़ लेते हैं। और इसके लिए जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये तार की यूज़ होनी, जो तार की ज़रूरत होगी, इस ये कम से कम तांबे की होनी चाहिए, इसे हम छील लेते हैं। छीनने के बाद इसको आप ट्विस्ट कर लें ताकि इसके रिश्ते इकट्ठे हो जाएं।
चलिए दोस्तों, अब हमने चारों के चारों सेल आपस में सोल्डर कर लिए हैं। पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ लिया है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ लिया है। अब हम इसकी पॉजिटिव, इस मॉड्यूल की पॉजिटिव टर्मिनल को देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को पहचानने के लिए हमें चेक करना होगा प्रिंट के ऊपर कि किस जगह पॉजिटिव लिखा है, किस जगह नेगेटिव। तो दोस्तों आप ये देखें, ये BAT नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बैटरी नेगेटिव पॉइंट है, और ये BAT पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये BAT मतलब बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं। ये हम तार को थोड़ा सा और काट लेते हैं, थोड़ा सा सोल्डर करते हैं, पॉजिटिव साइड को थोड़ा सा सोल्डर करेंगे, और तकरीबन 1 या 2 इंच के जितनी तार काट लेंगे। नेगेटिव साइड को इस तरह सोल्डर करेंगे। ये देखें, हमने नेगेटिव साइड को भी सोल्डर कर लिया है, और इधर भी 1 या 2 इंच जितनी तार काट लेंगे। दोस्तों तार काटने के बाद हम इनको थोड़ा सा छील लेंगे। छीलने के बाद हम ये पावर मॉड्यूल लेंगे, इसकी नेगेटिव साइड को सबसे पहले सोल्डर करेंगे और उसके बाद पॉजिटिव साइड को सोल्डर करेंगे। सोल्डर होने के बाद हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को भी सोल्डर कर लेंगे। ये हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को भी सोल्डर कर लिया है। अब हम देखेंगे नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड कहाँ बनती है। ये पॉजिटिव है दोस्तों, ये नेगेटिव है, इसकी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम मॉड्यूल को उल्टा कर लेंगे, इसकी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव में आएगी। और इसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों हमने वायरिंग पूरी कर ली है, अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये लिए दोस्तों, ये हमने ऑन कर लिया है मॉड्यूल को। इस टाइम हमारी बैटरी 18% है दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रही हो तो हमारी बैटरी 18% है। और इसके साथ आउट का ऑप्शन भी है, यानी कि आउट के नीचे 2 पोर्ट के ऑप्शन आएंगे, वो नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अभी इसके साथ कोई मोबाइल वगैरह अटैच नहीं किया है। अब दोस्तों हम इसको मोबाइल चार्ज करके चेक करते हैं कि आया हमारा ये मॉड्यूल काम करता भी है या नहीं। ये देखें, इसके LED ऑटोमेटिक 5 सेकेंड मतलब ऑफ हो जाती है। हम बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो LED ऑन हो जाएगी। ये देखें, अब हम इसके साथ अपना मोबाइल को टेस्ट करते हैं। ये हमारी डाटा केबल है, ये हम USB पोर्ट में लगाएंगे और हम अपना मोबाइल को चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, इसके सेल ऊपर नीचे हो रहे हैं। और हम मैं आपको मॉड्यूल पर भी दिखाता हूँ कि कौन सी पोर्ट हमें यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये हम देखें 2.1 एम्पेयर की पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं 2.1 एम्पेयर की पोर्ट से USB निकाल कर दूसरी पोर्ट में लगाता हूँ तो देखते हैं ये कितने एम्पेयर की है। दोस्तों ये 1.0 एम्पेयर की पोर्ट है,
यानी कि आप एट अ टाइम दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इसके ज़रिए। और हमारी बैटरी 18% है, तो हम ये भी चेक करते हैं कि आया हमारा पावर बैंक खुद चार्ज हो रहा है या नहीं। तो पहले हम इसकी ये पोर्ट निकाल लेते हैं और अपने मोबाइल में से भी निकाल लेते हैं। अब हम इसकी ये वाली पोर्ट अपनी माइक्रो यूएसबी में लगा देते हैं। ये हमने माइक्रो यूएसबी में लगा दी है और ये वाली पोर्ट हम अपने चार्जर में लगा देते हैं। ये देखें, इसकी चार्जर में लगाते हैं फ़ौरन ही रेड एलईडी ऑन हो गई है। और आप गौर से देखें तो इसकी इन वाला टर्मिनल जो है, इन वाली, ये देखें आप, इसकी इन वाली जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुकी है। अब इसकी इन वाली ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, ऑन है, इसका मतलब कि हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है। और आउट वाली ऑप्शन बंद हो चुकी है, इसका मतलब हमारा पावर बैंक किसी और चीज़ को चार्ज नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब हम इसको किसी बॉक्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको इसका ये जो जेन्युइन बॉक्स है हम इसे फिट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर ये एलईडी का रिफ्लेक्टर है, पहले हम ये लगाएंगे, उसके बाद ये इसके ऑन ऑफ के बटन हैं, ये इसकी सॉकेट है, पहले हम सॉकेट को लगाएंगे, फिर इसके साथ ये ऑन ऑफ का बटन है, प्रेस बटन, इसको हम फिट करेंगे। ये फिट हो चुका है। उसके बाद हम ये क्रिस्टल एलईडी को इसके ऊपर फिट करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है और इसके ऊपर एलसीडी भी इसकी बैठ चुकी है। अब हम इसको दबाते हैं तो ये ऑन हो चुका है हमारा। अब देखें, आप इसके साथ आप डबल प्रेस करेंगे तो इसका इसकी एलईडी ऑन हो जाएगी। ये देखें, दो दफ़ा फिर प्रेस करेंगे तो इसकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब हम इसके सेल को यहाँ बिठा लेते हैं ताकि हमारा पावर बैंक आराम से बंद हो जाए। ये देखो दोस्तों, अब हमने इसको बिठा लिया है आराम से। इसकी तारों को थोड़ा सा बैंड कर देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। आप चाहें तो इसका ढक्कन भी ऊपर वापस लगा सकते हैं, इसमें लग जाएंगे और ये आराम से फिट हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, हमने इसको परफेक्ट फिट कर लिया है। और अब आप इस पावर बैंक को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने पावर बैंक को सफ़र में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन होगा उसको भी क्लिक करें। और हमारे इस वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करें। शुक्रिया।